नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष श्रीवास्तव, माई टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मलाई से मक्खन बनाना बताएंगे। ये देखिए, हमारी 15 दिन की मलाई है और इससे हम मक्खन बनाना बताएंगे कि मार्केट में मक्खन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और महंगा भी होता है, तो आप इससे घर पर ही मक्खन बना सकते हैं, होममेड मक्खन, और बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनकर तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने 15 दिन की मलाई को इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसको मिक्सी में डालेंगे। आप अगर आधा आधा करके, थोड़ा थोड़ा करके भी आप बना सकती हैं, और एक साथ अगर मिक्सी में हो जा रहा है ठीक से तो आप एक साथ भी डाल सकती हैं। ये देखिए, जिसमें हम लोग जूस बनाते हैं ना, मैंगो शेक, बस वही वाला जार को लेना है और इसमें इस मक्खन, इसको मलाई को डाल देना है और इसको फ्रिज से निकालने से पहले रूम टेम्परेचर पर निकाल कर रख देना, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रखने पर ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ना मलाई रखने से। तो इसको 1-2 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पर निकाल कर रख दें, फिर इसका यूज़ करें। फिर इसके बाद में आप मिक्सी में इसको डाल दें और बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए, वो पानी आप इसमें 1-1.5 गिलास डाल दें इसमें, कि मक्खन आराम से, अगर कम लगे तो आप पानी इसमें बढ़ा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि पानी कितना डालना है। आप ये देखिए, मिक्सी जार में डालकर इसको 2-3 बार ग्राइंड कर लेना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। लाइक करें, कमेंट्स करें। और देखिए, इस तरह से मक्खन बनके तैयार हो गया है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखें, नहीं तो फिर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, और जब पूरा देखेंगे वीडियो तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और आपका मक्खन जो है अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब देखिए, ये मिक्सी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको, इसके ऊपर जो मक्खन तैरने लगा है ना पानी में, बस इसी को निकाल लेना है आराम से, जो ऊपर ऊपर तैर रहा है हाथ की सहायता से। इसको ये देखिए, इसमें पूरा मक्खन निकल कर ऊपर आ गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, ताकि हम बना कर डाल सकें और आप को इसको रेसिपी बनाने में आपको हेल्प मिल सके। ये देखिए, इसका जितना भी पानी है, इसको मक्खन को किनारे करते हुए इसको पानी को अच्छे से निकाल देना है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहने पाए, ये पानी आसानी से निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा सा मक्खन बनकर तैयार हुआ है और कितना शाइनी मक्खन है। ये देखिए, इस तरह से इसका पानी, जितना भी पानी है इसको आराम से निकालना है इसमें। ये देखिए, जितना इसको उठाते जाएंगे, किनारे करते जाएंगे, तो इससे पानी निकलता जाएगा और बिल्कुल मक्खन जो है बाजार के जैसा बनकर रेडी होता है। और इसमें फिर से हम, जो मक्खन हमारा तैयार हुआ, इसमें फिर से ठंडा पानी डालेंगे। इसमें जो भी, जो वाइट वाइट सा दूध जैसा निकल रहा है अभी ना, पानी हटाया इसको था उसमें बिल्कुल पानी आप डालने इसको हो सका धुल है। जैसा धुल दीजिए बिल्कुल अच्छे से मक्खन को, ताकि आपका मक्खन जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसको आप फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकती, जब भी आपको मक्खन की ज़रूरत हो तो आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मक्खन निकाल करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं, और इसको पराठे में, ब्रेड में, आप किसी भी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकती हैं, और बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें ना तो गैस जलाने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, बस 10 मिनट में तैयार हो जाता है ये मक्खन। अंदर देखिए कितना अच्छा मक्खन निकला है हमारा, ये देखिए कितना चमकदार और बढ़िया सा मक्खन रेडी हुआ है। आप इसको आप फ्रिज में जमा भी सकती हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा गोले जैसा अलग सा निकल रहा है, शाइनी सा मक्खन है। और ये देखिए, हम आपके पास कोई भी ट्रे हो, प्लेट हो, या कोई बॉक्स हो, उसमें इस मक्खन को जमा दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए इसको, और ये जम जाएगा। इसके क्यूब्स आप काट लीजिए और आप इसको जब भी यूज़ करना हो तो आप इसके क्यूब्स निकाल करके किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आसानी से निकल आता है जब जम जाता है। ये देखिए क्यूब्स बनकर तैयार हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा मक्खन रेडी हुआ है और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। और ये होममेड मक्खन बनकर आपका तैयार हो गया, ये बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार है, उसी मलाई से ये बनकर मक्खन तैयार हुआ है।